हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर 3 प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेज स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको एक क्लैरिफिकेशन दिया था डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर। पूरा प्राइवेट सेक्टर हम चैप्टर 2 में कवर अप कर चुके हैं। चैप्टर 3 में हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स करेंगे। इंट्रोडक्टरी पार्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 6 तरह की एंटरप्राइजेज हमें चैप्टर 3 में करनी है, जिसमें से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के 3 टाइप्स होते हैं: डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस एंड गवर्नमेंट कंपनीज। इन तीनों ही तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को हमें फीचर्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस और सूटेबिलिटी के साथ समझना है और बाकी रेस्ट ऑफ द 3 के हमें सिर्फ फीचर्स करने हैं। तो बच्चों, आज हम कवर अप करने वाले हैं अपने इस लेक्चर में डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, कि ये होली ओन्ड होती हैं या पार्शली ओन्ड होती हैं, इनका फाइनेंस कहाँ से आता है, इन्हें कंट्रोल कौन करता है, मैनेज कौन करता है, कितनी ऑटोनॉमी, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में होती है, क्या इसे प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स मैनेज करते हैं। तो इसके बहुत सारे फीचर्स, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस आज के लेक्चर में हम समझेंगे। सो लेट्स कनेक्ट टू कॉमर्स एंड लेट्स लर्न अबाउट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। सबसे पहले देखते हैं बच्चों डेफिनेशन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की, कि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज होती हैं जो एज अ डिपार्टमेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री रन की जाती हैं, सच टाइप ऑफ एंटरप्राइजेज आर कॉल्ड डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। तो ये मिनिस्ट्री के अंडर होती हैं और ये एज अ डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री जो है वो फॉर्म होती हैं और मिनिस्ट्री के अंडर ही ये चलाई जाती हैं एज अ डिपार्टमेंट। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। और उसके कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं: रेलवे डिपार्टमेंट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, डिफेंस। बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स होते हैं जिन पर पूरा कंट्रोल सरकार का होता है और उन डिपार्टमेंट्स को अंडर द कंसर्न मिनिस्ट्री मैनेज किया जाता है। सच एंटरप्राइजेज आर कॉल्ड डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। अब बिल्कुल सिंपल एक एक लाइन में आप डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के फीचर्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी डेफिनेशन में बताया कि फॉर्मेशन से रिगार्डिंग क्या फीचर है कि इट इज़ फॉर्म्ड बाय द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। सरकारी ऑर्डर से ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स बनती हैं। ओनरशिप इसकी किसकी होती है? गवर्नमेंट की। होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स पार्टली ओन्ड नहीं होती हैं, ये फुली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट होती हैं। इसको मैनेज कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इसको मैनेज करते हैं, जो कि कंसर्न मिनिस्ट्री से रिलेटेड डिपार्टमेंट होता है, उसी मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स इसको मैनेज करते हैं। स्टेटस में इट हैज़ नो सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब सरकार का डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री दोनों एक ही हैं इन द आईज ऑफ द लॉ, इसकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। फाइनेंस, 100% फाइनेंस जो है इसका सरकारी ख़जाने से आता है। तो जब 100% फाइनेंस जो है वो सरकार करती है, तो जो रेवेन्यूज़ जनरेट होते हैं इन डिपार्टमेंट से वो भी सरकारी ख़जाने में ही जाते हैं। उसके अलावा इसमें काम करने वाला जो स्टाफ होता है, जो लोग होते हैं, उनको सिविल सर्वेंट्स कहा जाता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ कहा जाता है। आपको पता ही होगा कि सिविल सर्विस के एग्ज़ाम्स होते हैं, IPS, IAS, IIS, IFS, तो फाइनेंशियल सर्विसेज, अलाइड सर्विसेज, रेवेन्यू सर्विसेज। तो एग्ज़ाम पास करके लोग जो हैं वो सिविल सर्वेंट्स बनते हैं और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। तो जो लोग सेलेक्ट होते हैं एग्ज़ाम देकर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ होते हैं और जिनको सिविल सर्वेंट्स कहा जाता है, और सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस उनके ऊपर सरकारी ही लगते हैं, अपॉइंटमेंट के, रिक्रूटमेंट के, उनके पे स्केल, सैलरी, रिटायरमेंट, हर तरह के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनकी सर्विसेज से रिलेटेड वो सरकार ही तय करती है। फिर उसके बाद ऑटोनॉमी की अगर हम बात करें, ऑटोनॉमी होता है फ्रीडम ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं या जो सिविल सर्वेंट्स हैं जो उन डिपार्टमेंट्स को हेड करते हैं अंडर द मिनिस्ट्री कंसर्न, उनके पास कोई डिसीजन मेकिंग पावर्स नहीं होती हैं, वो अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ही सारे डिसीजंस लेते हैं। तो स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल होता है और किसी भी तरह की ऑटोनॉमी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में या डिपार्टमेंट्स में देखने को नहीं मिलती है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें कि क्या कोई चेंजेस आसानी से की जा सकती हैं, तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। सब कुछ जो है वो पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के डिस्कशन होते हैं, मिनिस्ट्रीज तय करती हैं क्या चेंजेस होंगी क्या चेंजेस नहीं होंगी। तो इसीलिए एक बार जब रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए जाते हैं तो उसमें चेंजेस करना बहुत ही मुश्किल होता है, बल्कि नामुमकिन होता है। तो इसीलिए डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं होती है। और अकाउंटेबिलिटी जो होती है इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत हाई डिग्री ऑफ अकाउंटेबिलिटी होती है। सच अंडरटेकिंग्स आर आंसरेबल टू द पब्लिक थ्रू द पार्लियामेंट। तो इन अंडरटेकिंग्स की जो एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं वो पार्लियामेंट में मिनिस्टर कंसर्न को प्रेजेंट करनी पड़ती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि अकाउंटेबिलिटी टू द पब्लिक है, क्योंकि ये जो सरकारें इस तरह के डिपार्टमेंट्स को चलाती हैं वो सरकार के ट्रेजरी से फ़ंड होती हैं, लेकिन सरकार के ट्रेजरी में भी फ़ंड कहाँ से आता है, पब्लिक का पैसा आता है। तो इसीलिए दे आर अकाउंटेबल टू द पब्लिक। अब इन्हीं फीचर्स में से देख लीजिए कि कुछ तो इसकी एडवांटेजेस हैं और कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे अगर हम मैनेजमेंट एंड कंट्रोल की बात करें कि डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफिशल्स जो हैं इसको मैनेज एंड कंट्रोल करते हैं, तो उससे एक बेनिफिट क्या देखने को मिलता है, इफ़ेक्टिव कंट्रोल ओवर द ऑपरेशन ऑफ द एंटरप्राइज। पूरा का पूरा कंट्रोल जो है वो सरकार के हाथ में होता है, कोई इसमें इंटरफेरेंस नहीं है किसी और का। तो इसीलिए कंट्रोल जो है यहाँ पर इफ़ेक्टिव होता है। फिर अगर हम ट्रेजरी की बात करें कि पैसा जो है इसमें सरकारी ख़जाने से दिया जाता है, तो जैसा मैंने बताया कि जो रेवेन्यूज़ हैं वो भी सरकारी ख़जाने में जाते हैं। तो अनदर बेनिफिट इज़ कि ये एंटरप्राइजेस सरकार के लिए सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि सारे रेवेन्यूज़ जो हैं वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाते हैं। उसके अलावा हमने डिस्कस करा था यहाँ पे एक फ़ीचर अकाउंटेबिलिटी का, दैट देयर इज़ अ हाई डिग्री ऑफ अकाउंटेबिलिटी थ्रू द पार्लियामेंट। तो इसको भी हम बेनिफिट में ले सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है थ्रू द पार्लियामेंट। और क्योंकि ये एंटरप्राइजेस डायरेक्ट सरकार के अंडर काम करती हैं, होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट हैं, तो ये बेस्ट रहती हैं इस तरह के इश्यूज़ के जो कि नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल। इसमें कोई मिडिलमैन कोई इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व नहीं हैं। सरकारी ऑफिशल्स जो कि गवर्नमेंट्स अपॉइंट करती हैं उनके अंडर ये एंटरप्राइजेस काम करती हैं। तो यहाँ सीक्रेसी बहुत आसानी से मेंटेन की जा सकती है। तो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं वो इस तरह की अंडरटेकिंग्स लुक आफ्टर करती हैं। तो बेनिफिट्स हम क्या देख सकते हैं, दीज एंटरप्राइजेज आर द सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट, दीज एंटरप्राइजेज मेंटेन हाई डिग्री ऑफ अकाउंटेबिलिटी थ्रू द पार्लियामेंट, दीज एंटरप्राइजेज हैव वेरी इफेक्टिव कंट्रोल बिकॉज ऑल द ऑपरेशंस आर होली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, एंड दीज एंटरप्राइजेज आर बेस्ट फॉर द नेशनल सिक्योरिटी ड्यू टू द डायरेक्ट कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। अब जो फीचर्स हमने करे बच्चों, उन्हीं फीचर्स में से थोड़े से ड्रॉबैक्स भी हमारे सामने आ रहे हैं। हमने अभी फ्लेक्सिबिलिटी और ऑटोनॉमी की बात की थी, तो वो हम ड्रॉबैक्स में लिख देंगे कि इस तरह की एंटरप्राइजेस में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इस तरह की एंटरप्राइजेस में ऑटोनॉमी नहीं है, फ्रीडम ऑफ डिसीजन मेकिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। हालांकि इनके हेड्स जो होते हैं वो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, सरकारी अफसर होते हैं, लेकिन वो भी किसी भी तरह का डिसीजंस नहीं ले पाते, उनके ऊपर बहुत पॉलिटिकल प्रेशर होता है मिनिस्टर्स का। तो लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, हाई डिग्री ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इस तरह की एंटरप्राइजेस में देखने को मिलती है। और इस तरह की एंटरप्राइजेस जो हैं वो जो मैनेज करते हैं वो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, वो प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स नहीं होते, दे आर मैनेज बाय द सिविल सर्वेंट्स नॉट द प्रोफेशनल मैनेजर्स। तो जो लोग IAS का एग्ज़ाम्स पास कर लेते हैं उनके पास उस पर्टिकुलर फील्ड में जिस डिपार्टमेंट में वो काम कर रहे होते हैं कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं होती है, बल्कि उनके अंडर जो लोग काम करते हैं वो उनको असिस्ट करते हैं। तो जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं, लेकिन उनके पास मैनेजरियल एबिलिटीज़ नहीं होती हैं। तो अनदर ड्रॉबैक इस तरह की एंटरप्राइजेस का क्या है कि प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स जो हैं वो यहाँ पर मिसिंग होते हैं। और एक ये भी कहा जाता है कि ये इनसेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स द कंज्यूमर नीड्स। कंज्यूमर नीड्स का मतलब कि जितनी भी पब्लिक की नीड्स होती हैं, चाहे वो रेलवे से रिलेटेड नीड्स हों या वाटर सप्लाई या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई या कोई एजुकेशन या हेल्थ से रिलेटेड सर्विसेज हों, तो क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा होती है तो जितने डिपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं जो कि ये पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो एडुकेट सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, इसीलिए मजबूरन लोगों को प्राइवेट सेक्टर से सर्विसेज जो हैं वो लेनी पड़ती हैं। तो ये भी एक ड्रॉबैक है इस तरह की एंटरप्राइज का, दैट दे आर वेरी इनसेंसिटिव टुवर्ड्स द कंज्यूमर नीड्स। वाई? बिकॉज दे आर नॉट एबल टू प्रोवाइड सफिशेंट सर्विसेज टू द पब्लिक। तो हम सम अप कैसे कर सकते हैं? लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लैक ऑफ ऑटोनॉमी, लैक ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट, लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एंड इनसेंसिटिव टुवर्ड्स द पब्लिक नीड्स। दीज आर सर्टेन ड्रॉबैक्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। तो सारे फीचर्स और एडवांटेजेस और लिमिटेशंस को डिस्कस करने के बाद अब हम इसको समझ सकते हैं कि कहाँ पर इस तरह की एंटरप्राइजेज ज़्यादा सूटेबल है। तो जहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया, सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी या सीक्रेसी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ पर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स अच्छी मानी जाती हैं। जहाँ पे हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल की ज़रूरत है, सरकार को लगता है कि प्राइवेट सेक्टर के हाथ में इस पर्टिकुलर फील्ड में कंट्रोल नहीं देना चाहिए, तो वहाँ पर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग सूटेबल होती हैं। जहाँ पे इकोनॉमिक कंट्रोल की ज़रूरत होती है, अगर कोई भी अंडरटेकिंग्स जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होती हैं तो हर तरह की कमोडिटीज़ का या सर्विसेज का जो प्राइजेज़ हैं वो प्राइवेट सेक्टर पूरी तरह से अपने हाथ में रखते हैं और इसीलिए वो सर्विसेज बहुत महंगी होती हैं। लेकिन जो गारमेंट सर्विसेज होती हैं और जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कंपैरेटिवली लेसर प्राइजेस के होते हैं, क्योंकि सरकार उसको इस तरह से रखती है कि हर कोई जो भी मेम्बर है पब्लिक का वो उसको अफोर्ड कर सके। तो जहाँ पर इकोनॉमिक कंट्रोल की ज़रूरत होती है वहाँ पर भी एंटरप्राइजेज अच्छी मानी जाएंगी। जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर केपेबल ही नहीं है ड्यू टू द ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स, इतने सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, एयरक्राफ्ट्स हैं, रेलवेज़ हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है। हालांकि अब तो प्राइवेट सेक्टर में इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेस टाइकून्स हैं कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स जो पहले पूरी तरह से सरकार के हाथ में थे उसको भी अभी प्राइवेट सेक्टर ने अंडरटेक कर लिया है। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स चाहिए होती हैं जो प्राइवेट सेक्टर के बस में ही नहीं है, तो वहाँ पर भी इस तरह की एंटरप्राइजेस सूटेबल होती हैं जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर इनकेपेबल है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज वेयर द अंडरटेकिंग हैज़ टू बी एस्टैब्लिश्ड टू जनरेट द रेवेन्यूज। तो जहाँ पर भी रेवेन्यूज़ जनरेट करने होते हैं सरकार को, तो उसके लिए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स बेस्ट होती हैं, क्योंकि सारे रेवेन्यूज़ जो हैं वो सरकार के पास जाते हैं इस तरह की अंडरटेकिंग्स के। तो बच्चों, आप अपने पास ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सिर्फ ये हेडिंग्स, ये पॉइंट्स फीचर्स के, एडवांटेजेस के, लिमिटेशंस के और सूटेबिलिटी के आप याद कर लेंगे। हेडिंग्स आपको याद हो जाएंगी, आपको समझ में आ जाएगा, इसके एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर इस तरह के एंटरप्राइजेस के साथ ज़्यादातर डिपार्टमेंट लिखा होता है, तो आप आसानी से इन फीचर्स से और इन एग्जांपल्स से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अगर आपसे क्वेश्चन केस स्टडीज़ से रिलेटेड पूछा जाएगा, अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स क्या होती हैं, उसके दो फीचर्स, दो एडवांटेजेस, दो लिमिटेशंस लिखिए, तो भी आप आंसर कर पाएंगे। और अगर आपको सिचुएशंस दी हों कि इस तरह की सिचुएशंस में कौन सी एंटरप्राइज सूटेबल है, तो इस तरह की सूटेबिलिटी सिचुएशंस हों तो आप डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बच्चों, ये बहुत ही सिंपलेस्ट एंड ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं जो कि मिनिस्ट्री के अंडर काम करती आ रही हैं एज अ डिपार्टमेंट, और इससे रिलेटेड सिंपल क्वेश्चंस आते हैं जो आप बहुत आसानी से आंसर कर पाएंगे बाय लर्निंग दीज पॉइंट्स। सो वन फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हमने डिस्कस कर ली है, दैट इज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। अपकमिंग लेक्चर्स में एक एक करके हम सारी अंडरटेकिंग्स को डिस्कस करेंगे और एंड में हम उनको कंपेयर भी करेंगे, ताकि कंपैरिजन में अगर आपको कोई क्वेश्चन आए तो वो भी आप आंसर कर पाएँ। So see you next time with the discussion of another form of public sector undertaking, that is statutory corporations. Till then, goodbye, stay healthy and connected.